बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविल 3D के फर्स्ट लेसन के साथ हाजिर हैं। आज के लेसन में हम सिविल 3D का इंट्रोडक्शन और सिविल 3D के यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली सिविल 3D ऑटोकैड 2015 और 16 की ट्रेनिंग है। हम मोस्टली आपको कोशिश करेंगे कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाएं, इसलिए आप हमारे कोर्स को फॉलो करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आएगी। जिस कोर्स में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ऑटोकैड सिविल 3D, नेविगेटिंग द यूजर इंटरफेस, सिविल 3D वर्क प्लेसेस, सिविल 3D रिबन्स, टूल स्पेस, प्रॉपर्टीज पैलेट्स, टूल्स पैलेट्स, ट्रस्पेस कमांड एंड द पैनोरामा विंडो। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं कि व्हाट इज़ सिविल 3D। सिविल 3D क्या चीज़ है, यहाँ रेगुलर ऑटोकैड और सिविल 3D में क्या डिफरेंस है। अब एक बात याद रखें कि रेगुलर ऑटोकैड जो है उसमें हम खुद से डिज़ाइनिंग करते हैं, जो भी टूल्स हैं वो खुद से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें अगर हमने रोड की डिज़ाइनिंग करनी है, उसका क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो हमने खुद से बनाना है। उसके लिए हमें खुद से ड्राइंग लाइन्स देनी पड़नी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स, और खुद से स्लोप देनी पड़नी है। जबकि सिविल 3D में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। सिविल 3D में हम जस्ट उसे सरफेस असाइन करते हैं, जैसे टोपोग्राफिकल डाटा डाल देते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो सिविल 3D ऑटो तरीके से खुद करता है। हमने जस्ट वन क्लिक सिस्टम के तहत उसमें कमांड्स देनी होती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि सिविल 3D एक डायनामिक डिज़ाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। डायनामिक डिज़ाइन बेस्ड मीन्स के जैसे ही ये 2D और 3D दोनों पार्ट के अंदर जो लिंक क्रिएट करता है वो डायनामिक टाइप का होता है। इट्स मीन कि अगर हम 2D में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो 3D में ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2D में लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी उसका डिस्टेंस खुद खुद चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी एरिया को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें जो एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया शो हुआ है, फॉर एग्जांपल 20 स्क्वायर मीटर है, अगर हम उसे एक्सटेंड करते हैं उसकी लाइनों को, तो वो 20 स्क्वायर मीटर से बढ़ जाएगा खुद बहुत। तो ऐसे ही रोड में जिस तरह की चेंजिंग हम 2D में करेंगे, वो 3D में और डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली, डिज़ाइन और क्रॉस सेक्शन में ऑटोमेटिकली चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन मेन्यू, रिबन, टूल स्पेस, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइंस, पैनोरामा विंडो, इंक्वायरी टूल्स, ट्रांसपेरेंस कमांड टूल बस। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, जिनको आप हर कमांड इस्तेमाल करते हुए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एप्लीकेशन मेन्यू पे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किन किन जगह पर हैं। तो एप्लीकेशन मेन्यू जो है वो द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड एवरी वेयर फाइल हैंडलिंग कमांड्स दैट एनेबल यू टू थिंग्स लाइक ओपन, सेव एंड प्रिंट योर ड्राइंग्स। कि ये ऐसी कमांड मेन्यू है जिसमें रोज़मर्रा की फाइल्स हैंडलिंग की कमांड्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल ओपन, सेव, प्रिंट, न्यू एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन मेन्यू कौन सी है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये हमारी एप्लीकेशन मेन्यू है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रोज़मर्रा की फाइल हैंडलिंग की सारी कमांड्स मौजूद हैं, लाइक न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, उसके बाद प्रिंट एक्सेट्रा। तो ये हम रेगुलरली यूज़ करेंगे, ये रेगुलरली यूज़ की चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिबन्स। आप देख रहे हैं कि सिविल 3D में आपको डिफरेंट रिबन्स नज़र आ रहे हैं। इसमें डिफरेंट कमांड्स को ये आपके ऊपर मेन्यू बार नज़र आ रही है, ये मेन्यू बार है, और हर मेन्यू बार को डिफरेंट रिबन्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप जिस भी चीज़ पे क्लिक करेंगे आपको ये डिफरेंट रिबन्स नज़र आएंगे, आगे हम सॉफ्टवेयर में आपको दिखाएंगे। तो इन चीज़ को हम रिबन्स कहते हैं। तो ये मेन्यू बार पर डिफरेंट रिबन्स है, जैसे कि इंक्वायरी रिबन है, जैसे कि व्यू रिबन है, होम रिबन है, इन सबको हम रिबन्स कहते हैं। और हर रिबन के अंदर उसकी टाइप्स की कमांड्स मौजूद है और ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी मौजूद है डिटेल्स में। उसने रिबन को डिफाइन किया द प्लेस वेयर मोस्ट सिविल 3D कमांड्स आर लॉन्च्ड, के ऐसी चीज़ जिसमें सिविल 3D की जो उस टॉपिक से रिलेटेड कमांड्स हैं वो मौजूद होंगी। उसके बाद है हमारे पास टूल स्पेस। टूल स्पेस को उसने डिफाइन किया द सिविल 3D कमांड सेंटर वेयर ऑल द डाटा एंड सेटिंग्स आर लेड आउट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। कि टूल स्पेस एक ऐसी चीज़ है, ये एरिया हमारे पास टूल स्पेस होगा, ये आपको विंडो की लेफ्ट साइड पर नजर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि टूल स्पेस ऐसी चीज़ है जिसमें सिविल 3D में इस्तेमाल होने वाली तमाम ड्राइंग्स की सेटिंग्स
स्टाइल्स और उसका जो डाटा है वो सारा आपको उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसकी डिज़ाइन करने के लिए वो सारे ऑपरेशंस इस टू स्पेस मेन्यू में होंगे। टू स्पेस मेन्यू को आगे सब डिवाइड किया गया है चार हिस्सों में, जिनमें सेटिंग्स सेटिंग्स के सेटिंग्स है, उसके अलावा आपका प्रोस्पेक्टर मेन्यू है, टूल बॉक्स, और फर्दर हम आगे विंडो में देखेंगे। टूल स्पेस के बाद आता है हमारे पास ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया जिस एरिया पर आप काम कर रहे होते हैं वो आपका ड्राइंग एरिया, ये नीचे जो आपको व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है जिसमें आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं, ये इसने शो किया हुआ है, जिसमें आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं वो आपका ड्राइंग एरिया कहलाता है। वैसे भी इसने डिफाइन किया हुआ है द प्लेस वेयर द ड्राइंग इज़ क्रिएटेड, कि ऐसी प्लेस जिसमें ड्राइंग क्रिएट की जाती है उसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। उसके बाद कमांड लाइन द चार्ट विंडो वेयर यू कैन यू एंड सिविल सिटी टॉक टू ईच अदर, इसको हम कमांड विंडो कहते हैं। कमांड विंडो आपको बेसिकली नज़र आएगी कि नीचे आपको कमांड विंडो नज़र आएगी, यहाँ आपने जो भी कमांड परफॉर्म करवानी है आपने यहाँ पर लिखनी है, एंटर करना है, तो वो कमांड वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसके अलावा अगर हमारे पास है पैनोरमा विंडो, पैनोरमा विंडो एक छोटी सी विंडो होती है की डिटेल जानने के लिए हम जब ज्योमेट्री एडिटर में जाते हैं तो उसकी डिटेल जो विंडो शो करती है वो पैनोरमा विंडो कहलाती है। आगे फर्दर हम आपको जाके प्रैक्टिकली बताएंगे कि पैनोरमा विंडो कौन सी है। फिलहाल यहाँ आपको इमेज में ये जो नज़र आ रही है ये पैनोरमा विंडो है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्वायरी टूल। अ टूल विद मैनी स्मॉलर टूल्स विद इन इट दैट इनेबल यू टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिज़ाइन। A tool with many smaller tools within it that enable you to get information about your design। ऐसा टूल जो आगे अपने मोस्टली स्मॉल टूल्स पर मुश्तमिल होता है वो आपका इंक्वायरी टूल कहलाता है, जैसे कि आपको सामने इंक्वायरी टूल नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे उसने एक्सप्लेन किया है ट्रांसपेरेंट कमांड टूल बार। ट्रांसपेरेंट कमांड टूल बार ऐसी टूल बार है जिसमें हमने कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं वो इस ट्रांसपेरेंट टूल बार में मौजूद होंगी, या आपको बाज़ों का नज़र आ रही होगी, अगर नहीं नज़र आ रही होगी तो आपको हम ऑन करने का तरीका भी बताएंगे नेक्स्ट आगे जाकर प्रैक्टिकल में। ये ट्रांसपेरेंट कमांड टूल बार इन सिंपल हम ये डिफाइन करते हैं कि ऐसी टूल बार जिसमें रोज़मर्रा की जो मोस्टली जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। और पास ने डिफाइन किया है टूल बार विद स्पेशल कमांड्स दैट अलाउ ड्राफ्टिंग एंड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टू बी डन इन द वे दैट सिविल इंजीनियर्स एंड सर्वेस कैन डू इट, के इसमें ऐसी तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं जो मोस्टली ड्राफ्टिंग में, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, मीन्स अगर आप सिविल डिज़ाइन का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें जो फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्टेंस असाइन करना है या एंगुलर डिस्टेंस असाइन करना है या कोई बीरिंग असाइन करनी है, बीरिंग मतलब शो करवानी है, उसकी डिमेंशन शो करवानी है, या किसी सर्विस के बारे में अलाइनमेंट में इंक्रीमेंट करना है, या कोई एलिवेशन आपने ड्रा करना है, या किसी डिस्टेंस में चेंजिंग करनी है, तो उसके मतलब जो भी डिटेल होगी वो इसमें इस आपकी ट्रांसपेरेंट कमांड टूल बार में होगी। अब हम बकायदा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास ऑटोकैड की फ्रंट विंडो है, ये हमारा ड्राइंग एरिया है जिसमें आपको हमारी ड्राइंग नज़र आ रही है बकायदा तौर पे। विंडोज़ नेम्स बार कहते हैं कि जो भी विंडो आपके पास खुली है उसका नाम आपके दर्श हो रहा होगा, और ये कुछ शॉर्टकट्स कमांड आपको रेगुलर कमांड्स नज़र आ रही होंगी। उसके बाद ये आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन बार हमारी जिसमें रोज़मर्रा की कमांड्स यूज़ होती हैं, ये हमारे पास मेन्यू बार है, और ये एज इट इज़ रिबन बार है, इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज में सब आपको सब कैटेगरीज को इन रिबन्स में असाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सारे टूल्स शो किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लॉटिंग, अगर आपने प्लॉटिंग करनी है या प्लॉटिंग की कमांड देनी है, प्रिंट की कमांड देनी है, तो इट्स मीन कि प्लॉटिंग जो है वो एक आउटपुट आउटपुट पर्पस है, आउटपुट उसका पर्पस एक आउटपुट है कि हमने जो ट्रेंड बनाई है उसका आउटपुट लेना है, तो इट्स मीन के वो आउटपुट के फंक्शन में मौजूद होगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लॉटिंग मौजूद है। तो सेम इस तरह उन मेन्यू बार में उनके कॉमन्स नेम दिए गए हैं और आगे फर्दर उसको रिबन्स में असाइन किया गया है, रिबन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आगे उनकी कमांड्स से रिलेटेड वर्क की तमाम कमांड्स की डिटेल दी गई है। उसके बाद ये हमारे पास कमांड लाइन है और ये आपकी टूल स्पेस है।
दूसरी बात है। अब हम आपको आपकी जो टू स्पेस बार है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये आपका जो ये आपको जहाँ पर ड्राइंग नज़र आ रही है, आपका ड्राइंग एरिया है, उसके बाद नीचे आपको टाइटल बार नज़र आ रही है, इसको हम सॉरी टाइटल इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसमें आपको मॉडल नज़र आ रही है, अगर आपने ग्रेड वगैरह ऑन करनी है तो आप इधर से ऑन करेंगे, या आपका आर्थो है, अगर कोई आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लगानी है तो आपने आर्थो यूज़ करना है, जिसको आपने नेक्स्ट आगे जाके फर्दर आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये आगे डिफरेंट फंक्शन है इसके, जैसे ये स्नैपिंग है, स्वैप में स्नैपिंग का काम करना है। उसके बाद है ये स्नैप कर्सर्स है, कि अगर आपने जो डिफरेंट किस्म के स्नैप कर्सर्स होते हैं जब आप लाइन डिज़ाइन करते हैं तो आपको डायरेक्ट बैक शो होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए वो है। उसके बाद आपके पास वर्क प्लेसेस है। सबसे पहले ये आपको वर्क प्लेस बार शो, ये एक आपको यहाँ पर शो होगी, इसको हम वर्क प्लेस बार कहते हैं, और ये आपको यहाँ पर शो होगी। अब इस वर्क प्लेस में वर्क प्लेसेस में आपको मेन जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें सिविल 3D है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, 3D मॉडलिंग है, प्लानिंग एंड एनालिसिस है। ये आपकी फोर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर काम को करने के लिए उसको डिफरेंट तरीके से वर्क प्लेस असाइन कर दी गई है, कि आपने जो काम करना है आप उस वर्क प्लेस में जाएंगे और वो वर्क प्लेस आपको उस काम से रिलेटेड तमाम तरह की टूल्स बार्स और तमाम तरह की रिबन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3D में काम करना है, आपका काम जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड है, रोड डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो आप सिविल 3D में जाएंगे तो आपको सारी सिविल 3D की कमांड्स शो होंगी, आपको डिज़ाइन का कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सिंपल ऑटोकैड, जो रेगुलर ऑटोकैड है, उसको आप सिविल 3D पर रन करना चाहते हैं, मीन्स कि आपकी काम सिर्फ ड्राफ्टिंग और ड्राइंग से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं है, कोई भी डिज़ाइन से रिलेटेड काम नहीं है, तो आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सामने विंडो नज़र आएगी वो आपकी रेगुलर ऑटोकैड की विंडो होगी, जिसमें आपको रेगुलर कमांड्स नज़र आएंगी, इसमें कोई भी एनालिसिस कमांड्स आपको नज़र नहीं आएंगी, ये आपको रेगुलर विंडोज़ की सारी कमांड्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है 3D मॉडलिंग। सिविल 3D में 3D मॉडलिंग जो होती है उसके लिए स्पेशल से एक अलग जो है वर्क प्लेस असाइन करने की है, इसका नाम रखा गया 3D मॉडलिंग। अगर आपने डायरेक्ट 3D मॉडलिंग, जैसे कि किसी भी हाउस प्लानिंग का 3D व्यू हो गया, किसी भी सरफेस का 3D व्यू होगा, इसको आप सॉलिड 3D व्यूज़ कहते हैं, जिसमें रेंडरिंग भी हो सकती है, उस चीज़ को अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो वो आप 3D मॉडलिंग में बनाएंगे। या आप देख लें, इसमें आपको जितने भी सॉलिड वर्क्स और सरफेस वर्क, मेश वर्क्स, ये आपको सारे 3D वर्क्स इसमें नज़र आएंगे। उसके बाद आपको जो चौथी चीज़ है वहाँ आपका प्लानिंग एंड एनालिसिस। प्लानिंग एंड एनालिसिस में जब भी मोस्टली 2D काम से होते हैं, लेकिन इसमें सारा प्लानिंग से रिलेटेड काम होता है, रोड प्लानिंग से रिलेटेड हो गया, और इसमें मोस्टली रोड प्लानिंग रिलेटेड से जितने भी काम हैं वो आपको नज़र आएंगे, या जो आपका 3D मैप टाइप का वर्क है वो आपको इसमें असाइन करेंगे। और बेसिकली ये सारे सारे कामों को आप सिविल 3D में भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, सिविल जो 3D मॉडलिंग है वो सिविल 3D में इतनी नहीं दी गई डिटेल से, उससे आपको सेपरेट 3D में ही जाना पड़ता है, 3D मॉडलिंग में ही जाना पड़ता है, लेकिन बाकी जो तीनों फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, 3D में ही मौजूद है। तो ये था हमारा वर्क स्पेस, जो सिविल 3D वर्क स्पेसिस थी उसको हमने आपको डिटेल बताई है। अब नेक्स्ट टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सिविल 3D की, वो है जी टूल प्लेसेस। हम टूल प्लेसेस को थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। टूल प्लेसेस क्या चीज़ है, ये आपको जो साइड पे नज़र आएगी ये टूल स्पेस मेन्यू है, आपका सारा काम इसी से रिलेटेड होगा। इसको आगे फर्दर, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, इसको आगे फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें प्रोस्पेक्टर है, सेटिंग्स है, सर्वे है और टूल बॉक्स है। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टर पे आते हैं, कि प्रोस्पेक्टर का क्या काम है हमारे पास। प्रोस्पेक्टर जो चीज़ है वो ऐसी टूल स्पेस में ऐसी मेन्यू है जिसमें आप इनपुट एंड आउटपुट डेटा पुट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि दिस बार मैनेज द सिविल 3D डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स विच आर इन योर ड्राइंग। जो इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स और स्टाइल्स हैं, उसको आप जो है वो इसमें डिज़ाइन करने का प्रोसेस और मॉडिफाई करने का प्रोसेस करते हैं, जिसके सिलसिले में आपको डिफरेंट किस्म का डाटा इसमें इनपुट भी करना पड़ेगा
अगर आप उस एनालिसिस के बाद डाटा को आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो आप उसमें से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इसमें हम वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम प्रोस्पेक्टर मेन्यू में। तो प्रोस्पेक्टर मेन्यू में जैसे कि हमने आपको बताया कि ये इसमें आप डाटा इनपुट और आउटपुट के सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम ये पॉइंट्स मेन्यू है, अगर हमने इसमें पॉइंट पॉइंट इनपुट करने हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे तो आप इसके थ्रू इसमें आप पॉइंट इनपुट कर सकते हैं। फर्दर पॉइंट इनपुट करने के बाद उसकी कंट्रोलिंग होगी और फर्दर डाटा उसका जो है वो हम करेंगे। इस तरह आप इसमें हर मेन कैटेगरी की आगे सब कैटेगरीज असाइन की गई हैं, जिसके ये पाँच ग्रुप्स हैं। इसमें आगे आपको फर्दर एग्जिस्टिंग सर्फेस के पॉइंट्स भी होंगे, फाइनल सर्फेस के पॉइंट्स भी होंगे, फर्दर कोई सर्फेस है तो उसके भी पॉइंट्स आप होंगे। मतलब कि हर कैटेगरी को आगे सब कैटेगरीज में जो है असाइन कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। इसमें आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। जैसे आपने पॉइंट्स पर क्लिक किया तो आपको ये आपको इनपुट डाटा नज़र आ गया। तो हमने इसमें इनपुट डाटा किया हुआ था, वो हमें इनपुट डाटा नज़र आ गया। अब अगर आप इसी डाटा को आउटपुट करना चाहते हैं, एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं या वर्ड फाइल में लेके जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस मीन के हम सेटिंग्स की जो टैब है उसको हम इनपुट और आउटपुट डाटा के लिए, सॉरी प्रोस्पेक्टर की जो टैब है उसको हम इनपुट और आउटपुट डाटा के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह आप ये सर्फेस देख लें, सर्फेस के आगे सब मेन्यूज़ हैं। जैसे ये एग्जिस्टिंग अकाउंट सर्फेस है, उसके आगे सब मेन्यूज़ हैं। ये देखें आगे ये पॉइंट्स पॉइंट ग्रुप आ गया। इसी तरह इसकी आगे फर्दर डिटेल मौजूद है। अब ये था प्रोस्पेक्टर मेन्यू। अब आते हैं हम सेटिंग्स मेन्यू में। टू स्पेस का सेटिंग मेन्यू है। तो टूल स्पेस का जो सेटिंग मेन्यू है उसका बेसिकली क्या वर्क है? तो सिविल 3D में इस्तेमाल होने वाला ड्राइंग में जो डिज़ाइन ड्राइंग या जो डिज़ाइन डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेटिंग्स और स्टाइल से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो हम सेटिंग्स मेन्यू में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर ड्राइंग्स की सेटिंग जो है वो उसको चेंज करना है तो आप इधर से जाकर एडिट सेटिंग्स में, वो आप इस सेटिंग्स मेन्यू से करेंगे। उसके बाद आप देख लें कि फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट्स में जाएं तो ये आपको पॉइंट्स के स्टाइल्स नज़र आएंगे, लेवल्स के स्टाइल नज़र आएंगे। अगर आप पॉइंट्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको पॉइंट स्टाइल असाइन कर सकते हैं। इस तरह आप एडिट लेवल स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें हम मोस्टली स्टाइल से रिलेटेड वर्क और जो आपके सेटिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं उनको हम डिफाइन मतलब के उसको हम डिटेल देख सकते हैं, उसकी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो स्टाइल्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक लेबल स्टाइल्स हैं और एक ऑब्जेक्ट स्टाइल्स हैं। ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में आपकी सरफेस आती है, इसमें सरफेस स्टाइल हो गया और दूसरे स्टाइल हो गया। दूसरे स्टाइल वगैरह हो गए। जैसे आप ये सरफेस में जाएंगे, इस सरफेस स्टाइल में जाएंगे तो ये आगे आप तमाम इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके इसके जो जितने भी इसके स्टाइल्स हैं इसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर लेबल्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप लेबल्स के स्टाइल में जाएंगे, लेबल्स के स्टाइल में जाएंगे तो ये आगे आपको जितना भी लेबल्स की डिटेल है उसमें मौजूद है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिट में जाके आप उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी असाइन करना चाहते हैं इधर से आप उसकी डिस्क्रिप्शन में चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं, ये आपको आपके आगे सारी डिटेल नज़र आएगी। आप यहाँ से जो चेंज करना चाहते हैं कि ये आगे हम फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि इसको कैसे चेंज करना है हमने। इसी तरह अगर आप सेटिंग्स इसकी किसी भी ऑप्शन की सेटिंग में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी सेटिंग को जो है वो चेंज करेंगे। सेटिंग में बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ सेटिंग्स है। इसमें सबसे पहले है ड्राइंग सेटिंग्स, उसके बाद फीचर सेटिंग है, उसके बाद कमांड सेटिंग है। ड्राइंग सेटिंग में आप ड्राइंग्स में ऊपर क्लिक करेंगे मेन पे और राइट क्लिक करेंगे तो ये आपकी ड्राइंग सेटिंग है। इसमें आगे आगे आपको सारी ड्राइंग की सेटिंग नज़र आएगी। यूनिवर्सल जोन है, आपको यूनिवर्सल जोन है उसकी तमाम सेटिंग मौजूद है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तमाम सेटिंग मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट लेयर्स की, ये ऑब्जर्वेशन की, एम्बिएंट सेटिंग्स है जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि आपने इस सेटिंग को कैसे चेंज करना है। आगे आपकी आती है फीचर सेटिंग्स। फीचर सेटिंग जो आपके नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स, सरफेसेस और ये सब जो आपके नीचे ऑप्शन मौजूद हैं इसकी आप इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है ये सारी फीचर सेटिंग्स हैं।
इसमें ये आपके फीचर सेटिंग में चेंजिंग कर सकते हैं, ये लेबलिंग में आप चेंजिंग कर सकते हैं, ये डिस्टेंस वगैरह में सब, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में जाकर पढ़ेंगे कि हम इसमें कैसे चेंज करना है। उसके आगे आपको एक थर्ड टाइप ऑफ सेटिंग आती है, जो है वो आपकी क्या कहते हैं उसे, कमांड सेटिंग, जो आपकी आगे फर्दर मतलब कमांड सेटिंग आती है वो ये आपकी है। ये आपको आपकी सारी कमांड में अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस कमांड से रिलेटेड, इस भी आप कमांड पे क्लिक करेंगे तो उस कमांड से रिलेटेड आपको जितनी भी सेटिंग है वो सामने नज़र आएगी, जिसे आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। मोस्टली ये सारी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट हो ही है, अगर आपको इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है ज़रूरत के इस्तेमाल के लिहाज से, तो वो हम आगे आपको फर्दर प्रैक्टिकल में, जब हम डिटेल से प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इसे हम फर्दर कैसे चेंज करेंगे, इसमें फर्दर हम कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये थी हमारी टूल स्पेस की प्रोस्पेक्टर मेन्यू और सेटिंग मेन्यू। उसके बाद हमारे पास तीसरी मेन्यू आती है जो सर्वे मेन्यू है। सर्वे मेन्यू में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास सर्वे पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो सर्वे डाटा होता है उसको इनपुट करने के लिए हम ये सर्वे मेन्यू यूज़ करते हैं। बेसिकली सर्वे डाटा दो तरह का होता है, एक होता है सर्वे पॉइंट्स, जो मेन सर्वे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके बेंच मार्क्स हो गए, एक मेन बेंच मार्क्स होते हैं, आगे जो आपके फीचर्स बेंच मार्क्स होते हैं, आगे सब बेंच मार्क्स भी होते हैं। एक मेन बेंच मार्क्स होते हैं जिसको जब प्रोजेक्ट शुरू होता है क्लाइंट आपको मेन बेंच मार्क्स लेकर जा सकती है, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। जब आप आगे अपने फर्दर बेंच मार्क्स लगाते हैं उसमें आप चेंजिंग करते रहते हैं, जैसे कि आप ट्रैवर्स एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी चेंजिंग आती रहती है, आगे जो फर्दर आपने बेंच मार्क लगाए होते हैं उनमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन ये जो बेंच मार्क्स हैं जो क्लाइंट की तरफ से होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तो इसलिए वो जो डाटा होता है वो जो कंपनी ने हमें दिए, क्लाइंट ने हमें जो पॉइंट्स दिए, उनको हम कहेंगे कि वो सर्वे डाटा है, और जो हमने खुद से असाइन किए या जब हमने टोपो की खुद से, कुछ वो पॉइंट्स आए, कुछ हमने अपने बेंच मार्क्स लगाए हुए हैं जिनको हम आगे फॉरवर्ड फर्दर करते हैं, तो जितने भी बेंच मार्क्स होंगे उनको हम सर्वे डाटा कहेंगे, और जो आगे फर्दर पॉइंट्स जो कि हम टोपोग्राफिकल सर्वे में हमने कलेक्ट किए, टोटल स्टेशन से कलेक्ट किए, उनको हम कोगो पॉइंट्स कहेंगे। कोगो पॉइंट्स को हम डायरेक्ट प्रोस्पेक्टर मेन्यू से जाकर एंटर करते हैं, जैसे यहाँ से हमने, आप देखेंगे कि यहाँ से हमने कुछ पॉइंट एंटर किए हुए हैं, ये एग्जिस्टिंग पॉइंट, ये सारे, इनमें आप यहाँ पर डायरेक्ट भी चेंजिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग पे क्लिक करके भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, और दूसरे हमारे पास है सर्वे पॉइंट्स। सर्वे पॉइंट्स में आप डायरेक्टली चेंजिंग नहीं कर सकते, उनका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, उस लिहाज से आपने चेंजिंग करनी है। तो सर्वे पॉइंट अगर हम इनपुट करना चाहेंगे तो वो हम सर्वे टैब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने सर्वे पॉइंट्स को एंटर करना है और कैसे हमने कोगो पॉइंट्स को एंटर करना है, जबकि कोगो पॉइंट्स जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फील्ड से कुछ और डाटा लिया है, जैसे कि ये आपको सामने नज़र आ रहा है ये 2.27 लिखा है, इसको अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर एडिट क्लिक करेंगे और उसमें एडिटिंग हो सकती है। फर्दर हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे एडिटिंग करनी है, फिलहाल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक है कि जस्ट यूज़र इंटरफेस आपको बताना है कि इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद आपका टूल टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स आ जाता है। टूल बॉक्स मेन्यू का बेसिकली क्या फंक्शन है कि हमने डिफरेंट किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म की वर्क की जो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं, उनको हम जब आउटपुट लेना चाहते हैं उनकी, फॉर एग्जाम्पल उनको ड्राइंग में किसी जगह प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ प्रोस्पेक्टर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पॉइंट्स मौजूद हैं, ये पॉइंट्स का एक टेबल सा बना हुआ है, इसको अगर आप ड्राइंग में कहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं या एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या वर्ड की फाइल में एक्सपोर्ट करके प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि टूल बॉक्स की मेन्यू को यूज़ करते हैं। टूल बॉक्स मेन्यू क्या करती है कि वो हमें एक रिपोर्ट तैयार कर देती है किसी भी चीज़ की जो हमें चाहिए, अलाइनमेंट अगर चाहिए तो अलाइनमेंट के तमाम कोऑर्डिनेट्स, अलाइनमेंट का कर्व डाटा, अलाइनमेंट के स्टेशन, अलाइनमेंट की स्टेकआउट्स, अलाइनमेंट की स्टेशन एंड कर्व्स, जनरल लीगल डिस्क्रिप्शन या कोई भी कोऑर्डिनेट्स, वो आप निकाल सकते हैं। वो आपको एक फॉर्म या एक टेबल की शक्ल में आप ड्राइंग में भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग में भी शो कर सकते हैं और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉरिडोर के मतलब कोई डाटा है तो वो आप, कोई लेंस हैं, कोई माइनिंग रिपोर्ट्स हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, पाइप्स के मतलब, पॉइंट्स के मतलब कोई रिपोर्ट्स है
ठीक है, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रोफाइल्स के मुतल्लिक जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी डाटा चाहिए आपको प्रोफाइल के मुतल्लिक, वो आप इसमें जो है वो प्रिंट्स करवा सकते हैं। तो इसी तरह इस पर्पस के लिए जो भी डाटा की आउटपुट हम लेना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है टूल बॉक्स मेन्यू। टूल बॉक्स मेन्यू के बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज पैलेट्स। प्रॉपर्टीज पैलेट्स का बेसिकली क्या फंक्शन? प्रॉपर्टीज पहले से ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं इसकी मदद से। जो आप फर्दर छोटी मोटी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, जैसे कि ये आप उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो देख सकते हैं। फर्दर आपने अगर प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो आप यहाँ से जाके आपको ये प्रॉपर्टीज मेन्यू भी है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है अभी आपकी प्रॉपर्टी मेन्यू भी आपको नज़र आएगी। टूल पैलेट्स में आप क्या करते हैं कि आपकी जितनी भी कॉरिडोर मॉडलिंग है, उससे रिलेटेड जो भी रोड से रिलेटेड जो भी डिज़ाइनिंग है, वो आपको टूल पैलेट्स में नज़र आएगी। आप यहाँ से जाके अपनी टूल पैलेट्स ऑन कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन पर शो नहीं हो रही तो। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी टूल पैलेट्स ऑन हो जाएगी। इसको आप इधर बाहर भी लेकर आ सकते हैं, आपको मोस्टली इस साइड पर नज़र आएगी कि आपको वहाँ पर भी नज़र आ सकती है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जितनी भी रोड्स से रिलेटेड असम्बलीज वगैरह हैं, असम्बलीज प्राइमरी रोड्स और बेसिक्स, उसकी लेंस, रोड में जितनी लेंस यूज़ होती हैं वो रोड्स के मतलब शोल्डर्स, क्रॉस सेक्शन के मतलब जितना भी डाटा है वो आपको इसमें नज़र आएगा। मीडियंस, कर्व्स, डे लाइट्स और फर्दर आपको फंक्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, टेंच टाइप, रिटेनिंग वॉल्स और सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ें मोस्टली रोड क्रॉस सेक्शन में यूज़ होती हैं वो आपको इधर असेंबलीज में नज़र आएंगी। उसके बाद आप इसमें फर्दर फंक्शनिंग के लिए आप जिस पर भी राइट क्लिक करेंगे, आप उस फंक्शन को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। आगे आगे हम फर्दर जाकर पढ़ेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है रोड क्रॉस सेक्शन में और कैसे उसमें चेंजिंग करनी है। उसके बाद टूल पैलेट्स की एक और अच्छी बात है कि अगर आपने टूल पैलेट्स की लोकेशन देखनी है कि कहाँ पर है, तो आप अपनी ड्राइंग एरिया में राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन राइट क्लिक के ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये टूल पैलेट्स फाइल लोकेशंस में आपको यहाँ पर लोकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर आपकी सारी जो
टूल पैलेट्स हैं वो सेफ़ हैं। अगर आपकी कंपनी ने अपनी तरफ से कोई टूल पैलेट्स डिज़ाइन करके रखी है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के तहत, उसने अगर रोड क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करना चाहता किया हुआ है, तो उसको अगर आपने ऐड करना है तो आप इधर ऐड से जाके, ऐड के ऑप्शन से जाके ऐड कर सकते हैं और ब्राउज से उसे उसका पाथ दे सकते हैं। फर्दर अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी ऐसे सेक्शन की, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने कैसे ऐड करना है और कैसे उसको, सॉरी, इधर से जाके आप उसे पाथ दे सकते हैं। फर्दर हम आपको बताएंगे कि आपने उसे कैसे ऐड करना है और कैसे ब्राउज करके उसको आपने उसकी लोकेशन देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट कमांड्स का, जिसका हमको हमने आपको बताया था कि कुछ ट्रांसपेरेंट कमांड्स किसी भी किस्म का फंक्शन ड्राफ्टिंग या कोई भी किसी किस्म की ड्राइंग आप बना रहे हैं उसमें जो मोस्टली कमांड्स यूज़ होती हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट कमांड्स कहते हैं। या आपको इधर राइट पर शो हो रही होंगी, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नहीं शो हो रही, तो आप इधर इधर से आप ये इधर जाएंगे, इसमें आपका जो ऑप्शन है आपको राइट पे नज़र आ रही होगी ये बार। अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो आप व्यू में जाएंगे और आप इंटरफेस में जाएंगे, यहाँ पर आपको टूल बार में सिविल में जाके, तो यहाँ आपको ट्रांसपेरेंट कमांड की बार नज़र आएगी। ये ऑलरेडी ऑन है इसलिए इस पर टिक लगी हुई है, अगर ये ऑन नहीं होगी तो ये टिक नहीं होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। ये आपकी टूल बार है, इसमें आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पे आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट पे आपको बेयरिंग डिस्टेंस, एंगल डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट पे आप देखेंगे ये आपको पॉइंट्स के फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट नेम, ये पॉइंट नंबर, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट से रिलेटेड सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस तरह ये आपका आगे प्रोफाइल के रिलेटेड से जितने भी काम हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप अगर कोई चेंजिंग या कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट कमांड के बाद आता है हमारे पास पैनोरामा विंडो। पैनोरामा विंडो जो होती है वो ऐसी विंडो है जो काम के दौरान कोई भी मौजूदा काम है उसके डाटा को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके आप ज्योमेट्री एडिटर में जाएंगे और ये आप इसकी ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे जब, तो ये आपको एक छोटी सी विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखा है पैनोरामा, इसको पैनोरामा विंडो कहते हैं, जो आपके इस करंट वर्क की डिटेल को शो कर रही है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस को और ये आपके पैरामीटर्स को, जितनी रेडियस की कर्व्स यूज़ हो रही हैं, जो डायरेक्शन यूज़ हो रही है, जो स्टेशन स्टार्टेड है, एंडिंग स्टेशन, डाटा एंगल, कॉर्ड लेंथ और ये सब जो अलाइनमेंट के मतलब जितनी भी डिटेल है वो आपको इस पैनोरामा विंडो में शो हो रही होगी। इसी तरह आप अगर सरफेस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो सरफेस है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके मतलब आपको जितनी भी डिटेल है वो आप, इसी तरह आप उसकी जो पैनोरामा विंडो है उसमें जाकर देख सकते हैं कि उसकी मतलब जितनी भी डिटेल है। पैनोरामा विंडो बेसिकली जो भी आपका करंट फंक्शन है उसके मतलब जो करंट कमांड है या करंट जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके बारे में डिटेल जो है वो आपको नज़र आएगी। अगर आपकी पैनोरामा विंडो किसी तरीके से नहीं ऑन होती तो आप यहाँ से पैलेट्स में जाके आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ये इवेंट व्यूअर से आपकी ये पैनोरामा विंडो ऑन हो जाएगी। मोस्टली ये आप जैसे ही आप इसके फंक्शन में जाते हैं ये खुद ब खुद ऑन हो जाती है। तो ये हमारा था आज का पहला लेक्चर यूज़र इंटरफेस के बारे में। ये हमने आपको जितनी भी थी जो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने आपको सब बताई हैं, तो ये सारी हमारी बेसिक नॉलेज की चीज़ें थी। इसमें मोस्टली जो याद रखने वाली चीज़ है वो हमारे प्रोस्पेक्टर मेन्यू और सेटिंग्स मेन्यू है। प्रोस्पेक्टर मेन्यू में हम जो भी इनपुट डाटा करते हैं और आउटपुट डाटा करते हैं उसके सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो सेटिंग्स में हैं हम वो डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी आगे सब सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उसके सब स्टाइल्स को फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम तरह की डिज़ाइनिंग समझाएं। बेसिकली सिविल 3D किसी एक ख़ास तबके से रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई भी ऐसा बंदा जो कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक रखता है उसके लिए सिविल 3D सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल आप सिविल इंजीनियर हैं, आप क्लाइंट इंजीनियर हैं,
आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपने सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी लेकिन आपको सिविल इंजीनियरिंग का शौक़ रखते हैं या सर्विंग का शौक़ रखते हैं, आप सर्वेयर हैं, आप चीफ सर्वे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अभी तक अपने प्रोफेशन में कंप्लीट नहीं है, इवन 30% भी। तो इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है, ऐसे ऐसे हमें जो नई आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो प्लीज़ बी इन टच विद आवर चैनल और इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक भी स्प्रेड करें ताकि जो नेकी का अमल है वो सारे लोगों तक शिफ्ट हो सके।